नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन जो चीज नहीं बदली है उसमें प्रमुख है जाति। वोट व्यक्ति डालता है, लेकिन जीत हार के खेल की चाबी जाति ही है। जाति के ब्लूप्रिंट पर नजर डालें तो प्रदेश में 49 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा संख्या दलित मतदाताओं की है। कुछ जिले छोड़ दें तो बाकी जगहों पर दलित दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। कहीं 20 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं और 20 जिलों में से वो दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। सूबे के सियासी मुस्तकबिल की रेखाएं खींचने वाली 3 और प्रमुख जातियां हैं, यादव, ठाकुर और ब्राह्मण। संख्या के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा समुदाय ओबीसी है। हिंदू और मुस्लिम ओबीसी को जोड़ दें तो हर जिले में इनकी संख्या सबसे ज्यादा ठहरती है। लेकिन ओबीसी समूह के तौर पर वोट नहीं करते। ओबीसी की सबसे बड़ी जाति यादव है, इसलिए जब भी चुनाव आते हैं जमीनी मुद्दे भुलाकर जाति पर जंग होने लगती है और इसकी शुरुआत इस चुनाव में भी हो गई है। गोलबंदी करने की तमाम कोशिशें शुरुआत में तो कमजोर रही, लेकिन अब परवान पर है, जिसमें पीएम मोदी आ चुके हैं, मायावती आ चुकी हैं और खुद प्रियंका गांधी भी जाति के सवालों पर बोलने लगी। तो आखिर जीत के लिए यूपी में जाति पर जंग क्यों हो रही है? सियासत में जाति के क्या माने हैं? सोशल इंजीनियरिंग के तमाम फॉर्मूले यूपी की सियासत में देखे जा चुके हैं, इस बार किस तरह से असरदार होंगे? इन तमाम मुद्दों पर बहस करने से पहले बयानात सुनते हैं जो इस समय यूपी की सियासत में जाति की जंग को परवान पर ला रहे हैं। मोदी कौन जात का है? कोई कह देता है ये तो नीच जात का है, कोई कहता है ये तो नीच है। मैं हैरान हूं, मैं कभी जाति के नाम पर राजनीति के पक्ष का नहीं हूं। जब तक मेरे विरोधियों ने मुझे गाली नहीं दी तब तक पता ही नहीं था कि मेरी जात कौन सी है। हमने इनकी जाति के बारे में यह है क्या गलत बोल दिया है कि ये यानी कि श्री नरेंद्र मोदी, श्री मुलायम सिंह यादव व इनके बेटे श्री अखिलेश यादव की तरह जन्मजात पिछड़े वर्ग के नहीं है, इसमें हमने क्या गलत बोल दिया? अर्थात ये पहले ऊंची जाति के थे, अगड़ी जाति में आते थे और बाद में ओबीसी के बने हैं। मुझे तो आज तक भी नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री कौन से कास्ट के हैं और मेरे ख्याल से विपक्ष ने कभी इस तरह की बातें नहीं की। विपक्ष जहां तक मैं जानती हूँ, खास तौर से जो कांग्रेस के नेता है, सिर्फ इस चुनाव में सिर्फ विकास के मुद्दे उठा रहे हैं, सिर्फ यही मुद्दे उठा रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर यूपी में जात पर जंग क्यों हो रही है? क्यों यहां पर जात को लेकर माहौल बनाया जा रहा है? क्या जातीय गोलबंदी के जरिए जीत की इबारत लिखने की कोशिशें यहां पर सियासी पार्टियां कर रही हैं? इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी हैं चंद्रमोहन जी हैं, हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता सपा हैं एपी तिवारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और थोड़ी देर में कांग्रेस से अमित गुरु जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत करेंगे चंद्रमोहन जी आपसे ही करेंगे। जब इससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे तो बजरंग बली की जाति बताई जा रही थी, अब चुनाव लोकसभा के हैं तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष उनकी जाति बता रहा। नहीं, देखिए सैलन जी, ये विषय चर्चा का नहीं है, दुर्भाग्य है कि चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास को लेकर काम कर रही है। हमारी सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए हैं वो सबके लिए किए गए हैं। हम ऐसा नहीं है कि एक वर्ग के लिए काम करें दूसरे के लिए ना करें। जिस प्रदेश में बिजली जाति देखकर मिलती हो उस प्रदेश को आज सबका साथ सबके विकास के साथ में खड़ा कर देना कि भाई जो भी गरीब है, गरीब का मतलब गरीब है, गरीब की कोई जाति नहीं है, छात्र की कोई जाति नहीं है, मजदूर की कोई जाति नहीं है, तो ये जो गरीब को गरीब मान के व्यवहार करना और गरीब की जाति देखना है, इस अंतर को हमने किया है। उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं है कि भाई थाने कौन चलाएगा, तो एक जाति के लोग चलाएंगे। ये कैसे हो रहा था? एक जाति का जो जातीय वर्चस्व था और जाति की जो वर्चस्व ही नहीं था, वो
वो प्रसंग और वो किस्से कोई भूला नहीं है कि एक सब इंस्पेक्टर कप्तान को ऑर्डर देता था कि जानते नहीं हो मैं इस जाति का हूं और वहां का रहने वाला हूं, इस क्षेत्र का रहने वाला। जनमोहन जी, सवाल यही है कि परंपरा कुछ भी रही हो, विषय कुछ भी रहे हो, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है जातीय गोलबंदी क्यों अपने परवान पे जाने लगती है? क्यों यहाँ पर पीएम को कहना पड़ता है कि विपक्ष उनकी जात बता रही है? खुद पीएम कह रहे हैं कि वो जात बताना नहीं चाहते, जात की राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन फिर जात का मुद्दा आ कहां से जाता है? शैलेंद्र जी, कौन शुरू कर रहा है? कौन कह रहा है कि असली पिछड़े नकली पिछड़े की बात कौन कर रहा है? ये भी बड़ा मुद्दा है, असली नेता और नकली नेता भी यहाँ पर क्यों साबित हो रहे हैं? ये कौन, किसने शुरू किया, कौन बोला, सवाल कौन कर रहा था? तो ये थे सीएम योगी जो गोरखपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे, विकास कामों को गिना रहे थे, उपलब्धियां गिना रहे थे, लेकिन यूपी की सियासत में इस तरह से जाति गिनाई जा रही है वो नया मुद्दा बनता नजर आ रहा है। जिस तरह से जनसभाओं में पीएम मोदी वार कर रहे हैं जाति को लेकर, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिना रहे हैं कि कौन असली नेता है कौन नकली नेता है, यही मुद्दा है, इसी पर बहस लगातार जारी है। फिर से रुक करेंगे कपीश श्रीवास्तव जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से पीएम मोदी जनसभा में कह रहे हैं कि विपक्ष उनकी जाति बता रहा, आखिर क्यों आप उनकी जाति गिना रहे हैं भाई? देखिए शैलेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि खुद ही कहते हैं और दूसरों पर आरोप लगा देते हैं। आपको याद होना चाहिए, वो तो कह रहे हैं कि उनको अपनी जाति का पता ही नहीं है, जब चुनाव आता है विपक्ष बताता है तब उनको जाति का पता चलता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2001 में आभार भी जताया अखिलेश जी का और मायावती का, आभार भी जताया कि चुनाव में उनकी जाति बता रहे हैं। वो तो अदाए हैं, बताते रहते हैं, आभार जताते रहते हैं। 2001 के अंदर उन्होंने गुजरात में अपने को सीएम रहते हुए और अपनी जाति के लोगों को, अपने जाति को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने आरक्षित किया और तब से ये पिछड़े हो गए। तो जाति को अगर उन्होंने लाभ पहुंचाया तो उसमें बुराई क्या है? हर पार्टी अपना टारगेट रखती है जातियों को लाभ पहुंचाने। शैलेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी ने की और किसी ने नहीं की, और ये बात उठी कैसे? इन्होंने खुद को प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए और कहा कि हम जो है वो अच्छा, आप उन्हें पिछड़ों का नेता तो मानते हैं लेकिन नकली नेता मानते हैं, ऐसा क्यों है साहब? मायावती ऐसा क्यों बोलती है कि वो पिछड़ों के नकली नेता है, मुलायम जी असली नेता है? आप नेता भी मान रहे हो, नकली नेता भी मान रहे हैं, ऐसा कैसे? पिछड़े तो नकली हो ही नहीं सकते, नेता नकली जरूर हो सकता है। जब वो सामान्य वर्ग के थे 2001 के अंदर, उन्होंने अपने आप को आरक्षित किया स्वयं, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने 2001 में अपनी जाति को सामान्य से पिछड़े में घोषित किया, तो असल पिछड़ों की जो जवाबदेही थी उनके पीठ में इन्होंने छुरा मारने का काम। तो यूपी की राजनीति में, यूपी की राजनीति में पीएम की जाति बताकर क्या साबित करना चाहते हैं आप, ये बताइए। नहीं, हम लोग नहीं बता रहे हैं। शैलेंद्र जी, आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? ये बात आपको पीएम से करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के सीट पर बैठने के बाद और तीन बार आप मुख्यमंत्री के सीट पर बैठने के बाद आप किस तरीके से ओबीसी हो, किस तरीके से आप पिछड़े हो गए कि आप खुद को कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूं। क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति पिछड़े हो सकते हैं? चलिए चंद्रमोहन जी बता देंगे, अगर चंद्रमोहन जी अगर पीएम इस तरह की बातें करते हैं, अगर पिछड़े जातियों की बात करते हैं, तो आखिर कपीश जी इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशानी की क्या बात है? अगर देश के अंदर इनकी परेशानी यही है कि ये जो धोखा देने की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स देश में कर रहा है, तो केवल और केवल कौन कर रहा है सब जानते हैं। जताने का भी नाम करे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कौन करता है, जाति की राजनीति कौन करता है, क्षेत्र की राजनीति कौन करता है, मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। ये कोई एक उदाहरण दे संपूर्णता से उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की पूरी राजनीति केवल और केवल क्षेत्र विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, इसके अलावा कोई उनकी राजनीति नहीं। अखिलेश यादव एक्सप्रेस वे बनाते हैं, लेकिन उस एक्सप्रेस वे पर अगर कहीं एक जगह कोई गेस्ट हाउस बनता है तो घरोर में जाके बनता है, कहीं और क्यों नहीं बनता है? सारे कहीं कोई एक टॉयलेट तक नहीं बनता है, लेकिन घरोर में जाके एक वीवीआईपी गेस्ट हाउस बन जाता है। क्या राजनीति की है इन्होंने? बिजली दी तो 5 जिलों को बिजली दी, उन्हीं 5 जिलों को बिजली क्यों दी? बाकी प्रदेश में अंधेरा रहे, लेकिन वो 5 जिले में बिजली जरूर मिलनी चाहिए। अरे खुद को कहते हैं कि मैं कृष्ण का वंशज हूं, लेकिन भगवान कृष्ण की जन्म स्थान नहीं जाएंगे, जन्मभूमि नहीं जाएंगे, कृष्ण के वंशज हैं। तो ये जो राजनीति है जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्यों ये अपने चुनाव का शुरुआत देवबंद से जाके करते हैं, क्यों करते हैं आखिर? ये क्या कारण है इसका कि देवबंद ही जाके अपने चुनाव का शुभारंभ करेंगे? किसके लिए कर रहे हैं ये सब? कोई वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि जिस मंच पर अखिलेश यादव होते हैं उस मंच पर आजम खान,
महिलाओं के बारे में खराब टिप्पणी करते हैं और अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोलते हैं, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो किसकी राजनीति है? ठीक है सर, वोट बैंक की राजनीति है और इसमें जाति का भी पुट यहां पर देखने को मिला। अमित गुरु जी हमारे साथ हैं। अमित जी, प्रियंका गांधी भी आज कह रही हैं कि उन्हें कास्ट से कोई मतलब नहीं है, पीएम की कौन सी जाति है इससे उनको मतलब नहीं है, राजनीति विकास परक होनी चाहिए, लेकिन यूपी की सियासत में फिर जाति को तूल दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है फिर से सोशल इंजीनियरिंग का ट्रेंड देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात आदरणीय प्रियंका जी ने कही और कांग्रेस पार्टी की यही बात तो पीएम मोदी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष चुनाव में उनको उनकी जाति बताने लगता है और मायावती तो उनको नकली नेता बता रही है। बिल्कुल नहीं, मैं पीएम की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। पीएम दो मुही बात करते हैं। आप देखिए, वो मंचों से कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ और जब यूपी में आके ऐसा क्यों बोलने लगते हैं? नहीं, वो देखिए जातिगत राजनीति को ये साधना चाहते हैं, ये लोग वोट के लिए बजरंग बली की भी जाति तलाशना शुरू कर दिए और इनके कई नेता पहले तो योगी आदित्यनाथ से शुरू किया। अच्छा, उन्होंने जाति बताई और फिर मायावती ने अपना ली, इन्होंने कहा कि बजरंग बली दलित हैं तो वो कह रहे हैं कि कोई नहीं, हमारे बजरंग बली बजरंग बली को इतना पीड़ित कर दिया, अपन जाति नहीं बताई, बिल्कुल किसी ने बजरंग बली की जाति नहीं बताई, बजरंग बली की किसी ने बजरंग बली की जाति नहीं बताई है। अरे छोड़िए, ये सारी ब्राह्मण जाति मजहब और धर्म की राजनीति करना छोड़िए महोदय। अरे ये 30 साल हो गया आप लोग को इस पे राजनीति करते हुए, कौन और प्रधानमंत्री मोदी, अगर उनसे कहा जाता है कि ये नीचे राजनीति है तो उसको लपक लेते हैं, नीच बनने के लिए खुद परेशान हो जाते हैं और मंचों से कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूं, मुझे गाली दी जाती है। आप बाबा को भूल जाते हो, अपने दादा को और नानी को याद रखते हो, आप भी कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। आप लोगों की जो असंवेदनशील ये जो मुद्दे आ रहा है। अच्छा, अमित गुरु जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? अमित गुरु जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पूर्वांचल में प्रोजेक्ट इसलिए किया कि वहां के जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो पिछड़ा वोट बैंक है, जो यहां पर महागठबंधन के कारण उनके साथ जा सकता था, उसे अपने पक्ष में करने के लिए प्रियंका को प्रोजेक्ट किया गया पूर्वांचल में? देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कहीं ना कहीं से ये चीजें जो आपने जो सवाल किया, अभी तक ये सवाल आपसे ही मैं सुन रहा हूँ, बाकी क्षेत्र में कहीं सवाल सुनने को नहीं मिला है। अगर ऐसा मैसेज होता तो ये चर्चा का विषय होता। और प्रियंका जी हिंदू धर्म रीति रिवाज से और ब्राह्मण परिवार से जो भी चीजें है वो है, लेकिन कभी हमने ये साबित करने का प्रयास नहीं किया कि हम ब्राह्मण है। ब्राह्मण परिवार बोल रहे हो हमारे यहाँ, ब्राह्मण परिवार कांग्रेस ने ब्राह्मण परिवार बोल रहे हो और क्या बोलोगे हम को कभी तवज्जो। अरे भाई, बाबा का भी तो ध्यान रखो, कैसी बात है साहब, गुलगुले खाएंगे और गुलगुले से परहेज भी करेंगे, ऐसा कैसे साहब? बाबा का भी ध्यान रखो, जाति की बात भी नहीं करेंगे और जातिगत समीकरण भी साध देंगे, ऐसे कैसे साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जातिगत समीकरण साध ही नहीं रहे, यही तो बात है। हम तुँ। तो गंगा जमुनी तहजीब के हम लोग हैं, हम बराबर की भागीदारी हर क्षेत्र, हर धर्म, हर जाति धर्म के मजहब के लोग को देते हैं और साथ ही साथ उनकी योग्यता का ध्यान रखते हैं। जाति की बात तो ये लोग इनसे चंद्रमोहन जी से पूछिए, ये बजरंग बली का वो तो कर रहे हैं कि सपा बसपा जाति की बात कर रही है, जातियां बता अरे हम बता रहे हैं, हमने अब ये आप बीजेपी पर ही हमला क्यों कर रहे हैं, सपा बसपा की जाति है ना? बिल्कुल, अगर किसी ने भी जाति आपको लग रहा है कि जो लॉर्ड का चुनाव फिर जाति पर आ गया, अगर मायावती ने ये बात रखी है तो मैं उस बात को भी स्वीकार नहीं करता। मैं आपको इस चैनल के अच्छा असली नकली नेता वाली बात पर आप कितना सहमत हैं? गुरु जहाँ तक बात है, अगर आप उससे वो क्या साबित करना चाह रहे थे? मायावती अगर ये कह रहे हैं कि मुलायम असली नेता है पिछड़ों के, मोदी नकली नेता, तो उसे क्या साबित करना चाहते थे? प्रधानमंत्री मोदी जी अपना सारा दावा खुद खो चुके हैं, खुद खारिज कर चुके हैं। कारण यह है कि चुनावी हलफनामे में जब चीफ मिनिस्टर थे 2014 के चुनाव में और 19 के चुनाव में, कई जगह कई बार, चाहे वैवाहिक स्टेटस की बात को ले लीजिए, चाहे जाति की बात को ले लीजिए, हर जगह थोड़ी ना थोड़ी बदलाव आई है। आज अगर मायावती टिप्पणी नहीं है राजनीतिक बातें हो गई बहुत सारी, ठीक है, हर कोई यहाँ पर जातिगत समीकरण सामने रखकर जनता को अपने साथ गठबंधन करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जाति पर जंग क्यों, आखिर जाति को तूल क्यों दिया जा रहा है? एपी तिवारी जी, आपसे समझना चाहेंगे, यूपी में चुनाव में जाति का महत्व हर कोई समझता है, सियासी समीकरण साधने के लिए जातिगत समीकरण साधने की कोशिश क्षेत्रवार, प्रत्याशीवार, जातिवार की जाती है, इस बार तीन फेज का चुनाव हो चुका है, लेकिन अचानक से जिस तरह से जाति के सवाल उभर रहे हैं, ये किस तरह के संकेत दे रहे हैं? शैलेन जी, एक तो ये बात साफ तौर पर जान लेना होगा
कि भारतीय लोकतंत्र की ये विशेषता है कि ये बहुलतावादी है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्णों और नस्ल के लोग रहते हैं। अब ऐसे में यदि सामाजिक संरचना को देखें तो भारत की सामाजिक संरचना बड़ी पुरानी है और वो सामाजिक संरचना जाति पर ही आधारित रही है और ये इसकी विशेषता भी रही है। और जैसा एक आपने विचार रखा है कि जाति है कि जाति नहीं, वो जाति इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका जो रूट है, वो जाति जो उसका बीज तत्व है वो अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। गांधी जी ने भी जाति व्यवस्था को स्वीकार किया था और उसकी खामियों को न्यूनतम करने के लिए या समाप्त करने की चेष्टा की। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की, जाति व्यवस्था को विनष्ट करने की बात की, किंतु चुनाव में लेकिन क्यों इसका पुट ज्यादा देखने को मिला? यही लाना चाहता हूँ, शैलेन जी यही बात लाना चाहता हूँ कि यह एक विडंबना है, एक राष्ट्रीय विडंबना है कह सकते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले भी, और दूसरे छोर पे अगर हम डॉक्टर लोहिया को भी ले लें, वो भी जातिवादी प्रणाली के विरुद्ध थे, तो ऐसे में वही लोग इसको सबसे अधिक तूल देते रहे हैं, इसका उपयोग करते रहे हैं राजनीतिक लामबंदी के लिए। अब जब एक कोई राजनीतिक दल या कह सकते हैं सहकार करने वाला संगठन, जिसको गठबंधन कह सकते हैं, जाति का प्रयोग कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप में कोई राजनीतिक दल ये कहे तो ये गलत होगा कि वो जाति का प्रयोग नहीं कर रहा है। जाति के फैक्टर का प्रयोग सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, एक प्रकार की होड़ लगी हुई है। बिल्कुल होड़ यहाँ पर है तिवारी जी, कि किस तरह से अपनी जो चहेती जाते हैं उनको अपने खेमे में रखा जाए, उनको अपना वोट बैंक बनाए रखा जाए जिससे चुनाव में जीत की एस्योरिटी हो। इसी मुद्दे पर बहस लगातार जारी है, आखिर जाति पर जंग क्यों है, जाति का पुट क्यों है, जाति पर ज्यादा जोर देकर आखिर कौन किस तरह का शोर अपना सियासी कायम करना चाहता है, इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सवाल यही है कि आखिर जाति पर जंग क्यों है, आखिर बीच चुनाव जाति का मुद्दा फिर से क्यों तूल पकड़ रहा है। हमारे साथ चंद्रमोहन जी लगातार बने हुए। चंद्रमोहन जी, जिस तरह से पहले पीएम मोदी ने यहाँ पर चिंताएं जताई, कह रहे हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, विपक्ष बार बार उनकी जाति बता रहा, आखिर जाति पर इतना जोर क्यों? नहीं, जोर बिल्कुल नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कभी जोर नहीं देती है। जयप्रदा जी को रामपुर से चुनाव लड़ा रहे हैं, उनको उनकी जाति किसी को पता है? कोई बताएगा किस जाति के आधार पर हम चुनाव लड़ा रहे हैं? बता दे कोई मुझको। तो हम जाति के आधार पर ना राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी और ना भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। सबने देखा है कि 2017 के चुनाव में, 2000 चाहे जवाहरबाग कांड हो चाहे कोई कांड हो, अखिलेश यादव जी की सरकार, राजभर जी तो कह रहे हैं कि आप पिछड़ी जातियों पर ध्यान ही नहीं देते। आपने राजभर साहब के साथ गठबंधन किया था, आपने अनुप्रिया पटेल जी के साथ गठबंधन किया था, सब आपसे इसीलिए आक्रोशित नजर आए चुनाव से पहले कि आप उनकी जातियों का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए राजभर जी का जो विषय है, राजभर जी के विषय एकदम स्पष्ट है, गठबंधन धर्म का उन्हें निर्वहन करना चाहिए, ये अपेक्षा उनसे है। वो उसका जो कर रहे हैं वो हमने जनता के ऊपर छोड़ा हुआ है, हमने उनको भागीदारी दी, उनको साझेदारी दी, तो हम तो समाज के सभी वर्गों को भागीदारी देते हैं। हम ये नहीं है कि मुलायम सिंह जी की पार्टी है तो अखिलेश यादव अध्यक्ष होंगे, चाचा भी स्वीकार नहीं होगा। अच्छा, तो असली और नकली नेता वाली जो बात है उसमें क्या है? नहीं करते हैं चंद्रमोहन जी, फिर जो असली और नकली नेता वाली बात है वो क्या है? जो मायावती जी कह रहे हैं कि पिछड़ों के असली नेता मुलायम जी हैं, नरेंद्र मोदी नकली नेता हैं। बिल्कुल सही है। मैं तो बहन मायावती जी से ये पूछना चाहता हूं, भारत समाचार ने आखिरी बार किस दलित के साथ में मायावती जी को देखा है? किसी गरीब दलित की झोपड़ी में जाके मायावती जी को बैठ के चाय पीते हुए भी देखा है क्या? आज उनकी राजनीति जो भोजन हिताय भोजन सुखाय से प्रारंभ हुई थी, वो केवल और केवल परिजन हिताय परिजन सुखाय तक पहुंच गई है। आज वो कह रही है कि मेरा तो राजनीतिक बारिश है, मैं तो इसके लिए राजनीति कर रही हूं।
तो वो क्यों जाके खड़ी हो गई? तो मायावती जी तो आज राजनीति के इस स्थिति में है कि वो, उनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है, दलितों से उनको कोई मतलब नहीं है, वंचितों से मतलब नहीं है। आप बताओ कोई एक तस्वीर, आप मुझे बताओ कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद में किसी दलित के घर मायावती जी गई हो, तो गरीब दलित की झोपड़ी में जाके मायावती बैठी हो तो बता दें मुझे। कपीश जी बताइए भाई, मायावती के साथ सवाल कर रहे हैं आपसे चंद्रमोहन जी, अगर आपका गठबंधन है जातियों पर सवाल करो, कह रहा कि आप तो जो है जमीनी मुद्दों, जमीनी स्तर पर तो जातियों से मिलते ही नहीं है आप। मोहन जी तो हवा हवा में ही बात करते हैं, और कितने दलितों के यहाँ ये खाना खाते हैं, अपने को दिखाते हैं, तो होड़ थोड़े चल रही साहब, दलितों के यहाँ खाना कौन कितना खाता है, और विकास को क्या जाति में बांटा जा सकता है क्या, कि जातिगत आधार पर विकास? बड़ी बात को समझिए, ये बहन मायावती को कह रहे हैं कि वो दलित, कितने दलितों के यहाँ बैठ करके खाना खाती है, वो इनके नेताओं की तरह नहीं है कि कैमरा लेकर के पीछे जाती है और दिखाती है कि हम किस क्या खाते हैं और किस क्या नहीं खाते। वो तो बेचारी खुद दलित है, वो तो खुद दलित परिवार में पैदा हुई थी, आज अपने कर्मों से अपने उससे तीन बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। समाजवाद दिखाऊं अपने समाज के लिए काम करती है, दिखाऊं क्या मैं आपको, आपका ऑस्ट्रेलियन समाजवाद का आईना दिखाऊं क्या मैं आपको कपीश जी, आपका जो ऑस्ट्रेलियन समाजवाद है, नहीं नहीं आपका मोहन जी, आप मुझे बताएंगे क्या हुआ का प्रमाण पत्र दिखाऊं क्या, समाजवाद समाजवाद दिखाऊं क्या मैं आपको, अरे एयर कंडीशनर बस में बैठ के रोड शो पे निकलते हो, शीशा भी नीचे नहीं गिरा सकते आप, क्या करोगे आप तो धूप को भी नहीं सह रहे। आपका महिलाओं के प्रति क्या व्यवहार है, आप दलितों की क्या करोगे कपीर जी, आप तो महिलाओं के सम्मान नहीं कर सकते हो, आप छात्रों में आप छात्राओं में भी भेद करते हो, आप विद्यार्थियों में भेद करते हो, आप मोदी जी किसी जाति धर्म में पैदा हुए या नहीं हुए, संस्कार के नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आखिर जाति धर्म पर बहस तो है, जमीनी मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, जनता की जरूरतों पर बहस होनी चाहिए, इस बार चुनाव कुछ विकास के मुद्दों पर लड़ना चाहिए, युवाओं के लिए क्या है, बेरोजगारों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, इन मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए ना साहब, किसकी क्या जाति है, क्या कौन असली नेता है, कौन नकली नेता है, आखिर इस पर चुनाव लड़ने से क्या फायदा साहब, इससे जनता का क्या होने वाला है, अमित गुरु जी बताइए। प्रधानमंत्री से कहिए जलंधर जी, ये तो प्रधानमंत्री से कहिए, जी बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पे और इस अंजाम पे पहुंचे एहसास हो चुका है। मैं आपको बताऊं, इस देश की जनमानस ने 2014 के लोकसभा में प्रचंड बहुमत दिया था, चंद्रमोहन जी मैं पूरा कर लूं, आपकी बड़ाई बतिया रहा हूं, बुराई बाद में होगी, मैं बता दूं 2014 में प्रचंड बहुमत देश की जनता ने दिया था, तो जात के आधार पर थोड़े दिया होगा, बिल्कुल नहीं दिया था, वो विकास की बात करके दिया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान बढ़ेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, तमाम तरह के वादे थे और देश की जनता ने भरोसा किया, एक नायक आ रहा है जो ये सब कुछ करके दिखाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया 2017-18 के बाद ये चीजें बिल्कुल निराशाजनक हो गई। तो निराशा को क्या, जात की जंग के सारे दूर किया जा सकता है क्या? ये आप देखिए, जब प्रधानमंत्री जी अभी भाषण दे रहे थे 15 दिन पहले, तो उन्होंने यही कहा कि क्या जो नए वोटर्स हैं पुलवामा के नाम पे वोट नहीं दे सकते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ी जाति का हूं इसलिए मुझे गाली सुननी पड़ती है, और ये शहीदों की के तस्वीर को अपने बैकग्राउंड पे लगा के ये लोग मंच से भाषण करते हैं, कांग्रेस के मनोज तिवारी ने क्या बोला था, आप देखिए कांग्रेस के लोगों ने बोला था या नहीं बोला है, राष्ट्रवाद बोला था या नहीं बोला था, क्या है मौत का सौदागर बोला था कि नहीं बोला था, कांग्रेस के लोगों ने गाली देने का काम लगातार किया है, नहीं राष्ट्रवाद है, नहीं आप राष्ट्रवाद का समझाओ, और उनको सम्मान देना राष्ट्रवाद है, परमाणु विस्फोट हम करते हैं, हम एयर स्ट्राइक हम करते हैं, राष्ट्रवाद के लिए हम जीते हैं, कांग्रेस का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस तो उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो राष्ट्रवाद के दुश्मन है, आप नीत आप राष्ट्रद्रोहियों के साथ में खड़े होते हो, बिल्कुल सवाल यही है कि आखिर जात के ढाल पर आखिर कौन सियासी कमाल करना चाहता है, ठीक है साहब, राष्ट्रद्रोहियों के साथ में आते क्यों नहीं आता, वो हर जाति हर धर्म का हर मजहब सेना जाके क्या बोलने लगे, लेकिन आप अपने आप बोलने लगे ना, प्रधानमंत्री कांग्रेस है जिसके कारण से कांग्रेस का यह संस्कार है कर ले कि वहां पर जाके आदमी को बिल्कुल जात की जाति का जुगाड़ करके राजनीति में जीत की भारत लिखने की कोशिश हर पार्टी की है। तिवारी जी आपसे समझना चाहेंगे, कास्ट फैक्टर इस बार क्या कहानी लिखता नजर आ रहा है, और आपको क्या लगता है जिस तरह से अब चौथा फेज आते आते कास्ट का मुद्दा उछल रहा है, क्या यहाँ पर अभी तक का जो ट्रेंड है उसे बदलने की अब कोशिश की जा रही है जात की जंग के सहारे? शैलेन जी, जाति भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन मानना मेरा ये है कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण फैक्टर
बहुत अंदरूनी तौर पे काम कर रहे हैं, जिनको हम मुद्दे कहते हैं वो मुद्दे ऊपरी तौर पे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मतदाताओं के मन मस्तिष्क में वो बातें बार बार कौंध रही हैं। ये इमोशनल कार्ड है जाति का फैक्टर, आपको एग्जैक्टली जब हम जाति को हर कोई अपनी अपनी जाति सेट कर रहा है और उसका हिमायती बनने की कोशिश कर रहा है, जब राजनीतिक दल जाति का प्रयोग करते हैं मतों को अपने पक्ष में करने के लिए, तो कहीं मतदाता का मनोभाव प्रभावित होता है इससे। लेकिन हम ये भी जान लें कि मनोविज्ञान क्या कहता है कि अगर मनोभावों से शासित होकर मतदाता मत देता है तो उसका यह निर्णय या उसका वोटिंग पैटर्न यह है अविवेक होगा, विवेक सम्मत नहीं होगा। तो इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं, वार हो रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं, तो इससे आपको लगता है कि जो है मतदाता का मन बदलेगा? देखिए, अगर हम मैं भौतिकी का विद्यार्थी तो नहीं रहा, लेकिन भौतिकी के सिद्धांत से चलें तो यदि सभी राजनीतिक दल जाति प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जाति को आधार बनाते हैं एक फैक्टर के तौर पर, डोमिनेंट फैक्टर के तौर पर, तो मेरा मानना है कि यह फैक्टर अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा, निष्प्रभ हो जाएगा। क्षेत्रीय दलों की बात कर ले तो उनके ऊपर तो दबाव है जातियों को साधने का, तो आपको लगता है कि वो इस दबाव से उभर पाएंगे? उनको तो बात करनी पड़ेगी, उनकी मजबूरी है। यही दुर्भाग्य का विषय रहा है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वे उनका चरित्र मूलतः सर्वसमावेशी रहा है, किंतु क्षेत्रीय दलों का जो उभार हुआ है वो कहीं वहां पर जाति केंद्र में है, जाति डिपेंडेंट है, और इसलिए विकास इत्यादि के मुद्दे जो हैं, जो राष्ट्रीय महात्म के मुद्दे हैं, वो दरकिनार हो जाते हैं, जो जो अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं है। बिल्कुल, अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं है कि जाति पर चर्चा हो बल्कि विकास पर चर्चा होनी चाहिए। अमित गुरु जी बताइए। जी देखिए, एक चीज मैं आपको हिमांशु जी स्पष्ट कर दूं, आज की जो स्थिति है जाति और धर्म मजहब की जो बात आ रही है, पहले तो बीजेपी ने धर्म पे हमला किया था, धर्म का सहारा लिया था, एक लंबे समय तक धर्म का इन्होंने सहारा लिया, और महागठबंधन की बात नहीं, मैं देखिए अब एक पहलू पे बात करूं, महागठबंधन की भी बात कर लूंगा, और उसके बाद अब ये लोग जातिगत चीजों पे आगे जा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो संवैधानिक, तो आपको ऐसा क्यों लगता है पार्टी बीजेपी के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन्हें जाति पर जाना पड़ रहा है? संवैधानिक नियमों की कुछ मजबूरी है, मैं नाम लेके यहाँ से नहीं बोल पा रहा हूँ। ऐसे तमाम तरह के हथकंडे मोदी जी ने अपनाए हैं जिसमें जातिगत मैसेज इस देश को गया है। हथकंडे अपना रहे मोदी जी? बिल्कुल अपनाए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि संवैधानिक इजाजत मुझे नहीं मिली और न देश के किसी व्यक्ति को मिली, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अपरोक्ष रूप से इस बात को कह रहा हूं कि उन्होंने जातिगत भावनाओं को इस तरह से खिलवाड़ करने का काम किया और मैसेज दिया है कि हमने इस जाति को साधने का प्रयास इस माध्यम से किया है। आज स्थिति यह है, निश्चित तौर पे जब जाति की बात होती है तो एक दूसरी जो जाति होती है या धर्म होता है वो कहीं ना कहीं से आहत होते हैं। इस देश में जाति धर्म मजहब हटना चाहिए, लेकिन जब आप चुनावों में इस बात पे जनता के बीच में आप जाइए ना विकास के मुद्दों को लेके, इसी विकास के मुद्दे ने तो आप 2014 में विकास की बात कर रहे हैं, फिर विकास के बार बार क्यों मुद्दा रख रहे हैं, क्यों ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि जो विपक्ष आपकी जाति बता रहा है भाई? बताइए चंद्रमोहन जी। नहीं, ये कांग्रेस ये बताए और कांग्रेसी ये बताएं कि केंद्र की सरकार के द्वारा, प्रदेश की सरकार के द्वारा जाति को लक्षित करके ये काम किया गया है। हमने कुंभ का सफल आयोजन किया, वो किसी एक जाति के लिए किया क्या? वो हर व्यक्ति के लिए किया, भारत के सम्मान बढ़ाने के लिए किया। हमने योग को वैश्विक मान्यता दिलाने का काम किया, किसी एक जाति के लिए किया? बताएंगे क्या हम गरीबों के लिए? संवैधानिक नियम मुझे रोक रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, संवैधानिक व्यवस्था मुझे रोक रहा है, अकलमंद इशारा काफी, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये जातिगत स्वभाव इतने वर्षों में भी चढ़ाई है, सब भावना रोक कर दिखाने का काम हमने, तीन बार सीएम रह चुके, एक बार सीएम रह चुके, किस तरीके से ओबीसी एरिया मुझे आ रहे हैं, डायरेक्ट खाते में पैसा दे रहे हैं। हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा, हम मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। जब परिवर्तन किया गया था तो क्या उसका चुनाव में ऐसा नहीं पड़ा था? कपीश जी, जिस तरह से SC ST एक्ट में परिवर्तन किया गया था उसका क्या चुनाव नतीजों पर असर नहीं पड़ा था कि अगड़ी जातियां बीजेपी से खफा नहीं हुई थी, जिसके कारण अब ये मजबूरी सामने आ रही है और जातियों की बात चुनाव में करनी पड़ रही है? सबसे दुखद घटना यही है कि प्रधानमंत्री जी के पद, प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं,
राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और वो इस तरीके से अपने आप को ओबीसी साबित करने की कोशिश करते हैं। पहले वो तो कह रहे हैं साहब, हम जाति बताते ही नहीं है, विपक्ष उनकी जाति बता रहा है, अपने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और असल में सामने रखा पीठ में चाकू मारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। शंकर जी के कमेंट से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने गया की रैली में ये बात कहा था, मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, मैं पिछड़ी कार्ड खेलूंगा, ये पटना गया की रैली में, पटना की रैली में सारी गांधी मैदान में कहा था। और ये मणिशंकर जी के बयान से बहुत पहले की बात है, शुरू तो इन्होंने किया और उसके बाद धार्मिक आधार पर भी देवताओं का भी शुरू कर दिया। आप मौत का सौदागर कहोगे, आप नीच जाति का कहोगे, अरे भाई साहब हमने कभी नीच जाति का नहीं कहा, शुरू तो आपने खेल दिया। नहीं नहीं नीच का, अरे को कहा आपने, राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की है। अरे नीच जाति का याद रखेंगे, आपको माफ नहीं करेंगे। आपने जो राजनीतिक हराज की जो पराकाश नकली जाति है, जो नीच जाति में आप पहुंचे करेंगे, आपको यही भ्रम फैलाने का काम आप करते हैं। ठेकेदार हो गए, आप दलितों के ठेकेदार हो गए, आपको नीच सोचने जाति समीकरणों को साधने के लिए महागठबंधन नहीं हुआ। आप बताइए किस तरीके से देश को भ्रमित करना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपका आपका ये भ्रमित करने वाले लोग हैं चंद्रमोहन जी और इनकी पार्टी। इसके अलावा सपा की विचारधारा, बसपा की विचारधारा तो अलग थी, जाति समीकरणों को साधने के लिए महागठबंधन नहीं किया क्या? प्रधानमंत्री जी की नीच सोच को अगर किसी व्यक्ति ने इंगित किया कि वो नीच सोच के हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो नीच जाति के हैं। पूछ रहा हूं आपसे, पहले क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है, सीधा सवाल है, अपनी जगह जानती है एपी तिवारी जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से जातियों को लेकर जातियों को लेकर जिस तरह से घमासान हो रहा है, क्या ये जरूरत है या मजबूरी है? किसी के कार्य नीच एपी तिवारी कर्म नहीं हो सकते, एपी तिवारी जी को बोले सोच के नहीं हो सकते। किस तरीके का चंद्रमोहन जी आप बात कर रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठ करके इसलिए आप चुनाव में ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। ठीक है सर, आपको क्या लगता है शैलेन जी, राजनीतिक दल चेष्टा तो कर रहे हैं कि जाति को उभार कर, जात के फैक्टर को उभार कर अपने पक्ष में लामबंधन करें मतदाताओं का, लेकिन मेरा असेसमेंट इस बार आपको लगता है सोशल इंजीनियरिंग काम करेगी? जिस मंशा के साथ, जिस उद्देश्य के साथ महागठबंधन हुआ था, रिजल्ट्स आ चुके हैं इससे पहले भी राजनीति में। लेकिन मेरा मानना है कि आज ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस में रिपोर्ट्स है, ग्रास रूट लेवल की जो सर्वेज हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं कि विभिन्न प्रजातियों के, विभिन्न जातियों के, वर्णों के लोग इतर जाति के कैंडिडेट्स को वोट करना चाहते हैं। और मुद्दा जो बन रहा है केंद्रीय तौर पर, उस राइट अप को पढ़ने के बाद ये संकेत आ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री कौन होगा, ये मुद्दा बन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा दूसरा है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर जाति को तूल दिया जा रहा है। जी, लेकिन अब ये कहां तक कारगर होगा ये फैक्टर, ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 43% वोटर्स वोट हवा बदलने के साथ डालते हैं। हर 10 वोटर्स में ऐसी स्थिति 4 वोटर्स की होती है कि वो सोचते हैं कि हवा किधर जा रही है। बिल्कुल यही सब सोच रहा है कि आखिर हवा किधर जा रही है। लास्ट मिनट हमारे पास है, फाइनल कमेंट सबसे लेंगे। सबसे पहले अमित गुरु जी, क्या कहते हैं आप, जाति की जंग किसके लिए कारगर होगी? देखिए ऐसा है, जातिगत राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जो भी दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या इस तरह से वार पलटवार किस तरह के संकेत दे रहे हैं ये लोग, वोटों की ध्रुवीकरण के लिए सारी चाल का चल रहे हैं। जनता समझदार है, जनता समझ रही है, लेकिन जनता को भटकाने का प्रयास राजनीतिक दलों को नहीं करना चाहिए। जनता को भटकाने का प्रयास यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप, जात पर इतना जोर क्यों? देखिए जो लोग केवल और केवल जातीय नेताओं के मिलन को और महागठबंधन का नाम दे रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जनता 2014 में भी दौड़ाई, 2017 में भी दौड़ाई और 2019 में भी दौड़ाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है, ये चाहे जितने नौटंकी कर लें, इनकी नौटंकियों को उत्तर प्रदेश हैट्रिक लगाने जा रही है। लेकिन कपीश जी, आखिर जाति पर हाय तौबा क्यों? नहीं है
इन जातियों के लोगों को हजारों साल तक दबाया और दबाया कुचला गया है, वो जब तक तो हजारों साल का बदला इस बार चुनाव में ले लेंगे क्या साहब, तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था लागू की। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इसने देखिए रोजगार ही खत्म कर दिया, जिससे लोगों को पावर्ड करने का काम। ठीक है, जातियों की सबकी अपनी कोशिश है। तिवारी जी फाइनल कमेंट, 10 सेकंड आपके पास। अगर राष्ट्रीय विकास को लें तो वो स्वयं अपने चरित्र में सर्वसमावेशी होता है, विकास का लाभ सबके स्तर पर रिश्ता है। इफेक्ट करेगा जाति का मुद्दा? जाति का मुद्दा मुझे लगता है कि कल जो चौथा चरण आरंभ हो रहा है, जाति कहीं जाति का फैक्टर दरकता हुआ नजर आएगा और विकास और राष्ट्रीय महात्म्य के मुद्दे उभरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, विकास और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे ही यहां पर प्राथमिकता में होना चाहिए, लेकिन जाति पर जिस तरह से जोर दिया जा रहा है, जाति पर चर्चा जिस तरह से चरम पे है, उसका पॉलिटिक्स में क्या असर होगा, यूपी की राजनीति क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।